तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का प्रश्न है, RBI वाणिज्यिक बैंकों को कैसे नियंत्रित कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक एवं वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण के लिए तरीके अपनाता है, यानी निम्नलिखित तरीके अपनाता है। तो देखिए दोस्तों, लाइसेंस भारत में बैंक की स्थापना करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रदान करता है। एवं नियमों का उल्लंघन एवं देश के विरुद्ध काम करने पर बैंकों के लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैं किसी का क्या लूँ, किसी से कोई सामान लूँ, अगर उसे लगता है कि मैं उसके सामान का दुरुपयोग कर रहा हूँ तो वो मुझसे छीन लेगा। तो यही बात है, यानी कि कोई बैंक में गड़बड़ करे तो उसके लिए वो उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रबंधन। भारत में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बैंकों में संचालन नियुक्ति नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति बैंक में 1% से अधिक मतों का अधिकारी नहीं हो सकता। और इसके बाद देखिए दोस्तों, पूंजी। भारत में पूंजी व्यवस्था इस प्रकार से अपनाई गई है कि बड़े बड़े बैंक ही देश के अधिकांश भागों में अपनी शाखाओं का विस्तार कर सकें और छोटे बैंक अपने व्यवसाय को एक राज्य से सीमित कर सकें, जिससे जनता को अधिक लाभ हो। यानी बड़े बड़े बैंक जैसे एचडीएफसी, एक्सेस एंड एसबीआई, ये बड़े बड़े बैंक हैं। इसके बाद छोटे बैंकों को राज्य के अंदर ही स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तरलता कोष के माध्यम से, तरलता दोस्तों पैसों को तरलता बोला जाता है, पैसों को क्या बोला जाता है? तरलता यानी पैसा एक जगह टिकता नहीं है। तरलता कोष के माध्यम से बैंकों की जमा राशि के 25% नगद रूप में रखने का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। यानी बैंक में 25% पैसे रहने चाहिए, इसका निरीक्षण कर सकता है कि बैंक में आरबीआई बैंक के बैंकों में 25% तरलता है या नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।